Hello dear students, welcome to Wings of Fire Academy, a place for free education. My name is Grace and today we are going to study Class 6, Subject History, Lesson Number 7, India during Maurya period. So let's start. Now this topic we will divide into two subtopics. 7.1 the Greek Emperor Alexander's invasion and 7.2 the Maurya Empire. Do you know, in the 6th century BCE, a king named Cyrus had established a vast empire in Iran. This empire extended from northwest India to Rome and to Egypt in Africa. Now, in the 6th century BCE, BCE it means before Common Era, is time period mein, king named Cyrus namak jo किंग था, राजा था, उसने ईरान में अपना एक विशाल ऐसा साम्राज्य स्थापित किया। This empire extended from, अब उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला था? North West India to Rome, right? And to Egypt in Africa. So उसका जो साम्राज्य है, वो पश्चिमोत्तर भारत से लेकर रोम तक और अफ्रीका के इजिप्ट तक फैला हुआ था। Now around 518 BCE, an Iranian emperor named Dariush had conquered the region to the northwest of India up to Punjab. और दूसरा एक जो सम्राट था दारियुश. So इस कालखंड में means 518 BC इस time period में. So Iranian emperor था वो Iranian सम्राट था दारियुश जिसका नाम था. तो उसने the region of northwest of India. Okay? So उसने ईरान के दारियुश नामक सम्राट ने भारत के पश्चिमोत्तर का प्रदेश और पंजाब तक का कुछ क्षेत्र जीत लिया, conquered, right? So दारियुश had recruited some soldiers from this area into his army. तो उसने क्या किया, ये प्रदेश जीतने के बाद में इस प्रदेश के कुछ सैनिकों को अपनी सेना में, अपनी आर्मी में शामिल कर लिया. We learned about this from the writings of Greek historians. So इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? So ग्रीक हिस्टोरियंस में, ग्रीक इतिहासकारों ने जो अपने राइटिंग्स में लिखा है, वहां से ये जानकारी हमें मिलती है. Now political relations between India and Iran were established during the reign of the Emperor Dariush. Okay, so Dariush, Emperor Dariush में सम्राट दारियुश के जो कालखंड था, कार्यकाल था, so उस टाइम में भारत और ईरान के बीच में राजनीतिक संबंध प्रस्थापित हुए. This led to greater exchanges in the fields of trade and art. और इस कारण से इसे व्यापार और कला के क्षेत्रों में भी आदान प्रदान बढ़ा. Emperor Dariush had introduced a uniform currency called Dari in all parts of his empire. This made trading easier. The capital city of Persepolis was built during his reign. Persepolis is in Iran. ओके, सम्राट दारियुश ने अपने साम्राज्य में सर्वत्र दारिक नामक मुद्रा को प्रचलित किया. ओके, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज दारिक, ये मुद्रा है, करेंसी है जो उसने प्रचलित की थी, बनाई थी. ओके, और इससे व्यापार करना और भी आसान सुलभ हो गया था. नाउ दारियुश के कार्यकाल में जो उसकी राजधानी थी पर्सिपोलिस, उसका भी उसने निर्माण किया. पर्सिपोलिस कहाँ है, वो ईरान में है. Now 7.1 the Greek Emperor Alexander's invasion. Greek Emperor Alexander, हम Alexander ये नाम आपने सुना होगा, जिसे हिंदी में कहा जाता है सिकंदर, right? So ये Greek Emperor जो था, सम्राट जो था, उसने भारत पर आक्रमण किया, उसके बारे में पढ़ेंगे. Alexander the Greek Emperor invaded India's northwestern frontier in 326 BCE. So उसने कब आक्रमण किया भारत पर? 326 BCE टाइम पीरियड में. ओके, सो उसने भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण कर दिया. क्रॉसिंग द इंडस, इट मींस सिंधु रिवर, राइट, ही रीच तक्षशिला. तो उसने इंडस, सिंधु नदी को पार करके वो तक्षशिला तक पहुंच गया. ऑन द वे ही मेट विथ फोर्सफुल ओपोजिशन फ्रॉम द लोकल इंडियन किंग्स. बट ऑब्वियस है, जब वो वहां तक पहुंचा तो वहां के जो लोकल स्थानीय जो भारतीय राजाएं थे, राजा लोग थे, सो उनके साथ में उसका, उसे घमासान युद्ध करना पड़ा. He defeated them all. उसने उन्हें हरा दिया and successfully reached the Punjab. और पंजाब तक वो पहुंच गया.
और वो इन दिस इन्वेजन हिज आर्मी हैड टू सफर सेवर हार्डशिप्स। लेकिन इस टाइम पीरियड में राइट उसके जो आर्मी थे, उसके जो सैनिक थे, उन्हें अपार कर्ज सहने पड़े थे। द सोल्जर्स वर ईगर टू गो बैक होम। अब इस कष्ट के कारण राइट, और बहुत ज्यादा दिनों के इस ट्रैवल के कारण, ट्रैवलिंग के कारण, जो उसके सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे, वो काफी परेशान हो गए थे। उन्हें अपने मातृभूमि के भूमि को लौटने की एक ऐसे तीव्र से इच्छा हो रही थी। सो दैट्स व्हाई दे रिबेल अगेंस्ट अलेक्जेंडर। और इसलिए उन्होंने अपने राजा के विरुद्ध, अलेक्जेंडर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। एंड ही वाज फोर्स टू टर्न बैक। और इस विद्रोह के कारण जरूरी था कि वो अभी पीछे हट जाए। ही देयरफॉर अपॉइंटेड ग्रीक ऑफिसर्स टू एडमिनिस्टर द कॉन्कर्ड टेरिटरीज। लेकिन उसने जो भी क्षेत्र जीता था, सो वहां पर ध्यान रखने के लिए या वहां पे प्रबंधन के हेतु उसने क्या किया, ग्रीक ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। ओके, दे वर कॉल्ड सट्रप्स। और जिन्हें उसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा, जिन ऑफिसर्स को, उन्हें कहा जाता था सट्रप्स। ही स्टार्टेड हिज रिटर्न जर्नी। और जब उसने सट्रप्स को अपॉइंट किया राइट, तो उसके बाद में जब वो अपने मातृभूमि पर को लौटने पर था, सो रास्ते में ही डाइड राइट, वो उसकी मृत्यु हो गई। ऑन द वे बैक इन 323 BC एट बेबीलोन, बेबीलोन इस स्थान पर, नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। टुडे बेबीलोन इज इन इराक। और बेबीलोन नामक ये जो स्थान है वो कहाँ है, इराक में है। अलेक्जेंडर्स कैंपेन लेड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। द हिस्ट्रियंस हु अकंपनीड अलेक्जेंडर इंट्रोड्यूस इंडिया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड थ्रू देयर राइटिंग। ग्रीक स्कल्पचर इन्फ्लुएंस्ड इंडियन आर्ट, गिविंग राइज टू द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। द ग्रीक किंग्स मिंटेड कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स। ऑन वन साइड द कॉइन हैड अ पिक्चर ऑफ किंग हु हैड मिंटेड द कॉइन, एंड ऑन द अदर साइड अ पिक्चर ऑफ अ ग्रीक गॉड। द नेम ऑफ द किंग वॉज ऑल्सो रिटन ऑन द कॉइन। नाउ अलेक्जेंडर्स कॉइन वर ऑफ द सेम टाइप। नाउ अलेक्जेंडर के आगमन से भारत में क्या हुआ, भारत और पश्चिमी जो विश्व के बीच में व्यापार बढ़ा। नाउ अलेक्जेंडर के साथ जो भी इतिहासकार थे, जो भी हिस्टोरियंस थे, उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा पश्चिमी विश्व को भारत से परिचित करवाया। और उसने उसकी जो मूर्ति कला का भारतीय कला शैली पर विशेष प्रभाव पड़ा। इससे जिस शैली का निर्माण हुआ उसे गंधारा शैली कहते हैं। नाउ ये जो ग्रीक राजा थे, सो उनकी जो जो भी सिक्के थे राइट, जो कॉइन वो बनाते थे, वो अलग ही तरह के थे, मीन्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थे, वैशिष्ट्यपूर्ण थे। सिक्के के एक साइड में, अगर हम देखें सिक्के के एक साइड में, जो भी राजा उस कॉइन को बनवाता था उसके टाइम पीरियड में, सो उसका पिक्चर, उसका चित्र एक साइड में होता था और उसका नाम भी वहां पर लिखा हुआ होता था, और दूसरे साइड में उसके देवता का नाम वहां पर अंकित होता था। और सिकंदर मीन्स जो अलेक्जेंडर था उसके भी कॉइन इसी प्रकार के थे। लेटर इंडियन किंग्स ऑल्सो स्टार्टेड मिंटिंग सिमिलर कॉइन्स। ओके, सो उसके बाद में कालांतर में भारत के राजाओं ने भी ऐसे ही सिक्के ढालना प्रारंभ किया था, ऐसे ही कॉइन बनाना शुरू कर दिया था। यू कैन सी हियर अलेक्जेंडर सिल्वर कॉइन बोथ साइड। सो एक साइड में अलेक्जेंडर का पिक्चर है, चित्र है, और दूसरे साइड में उसके देवता का। ओके, नाउ नेक्स्ट 7.2 द मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। पीपल वर टायर्ड ऑफ द टायरनिकल रूल ऑफ द नंदा किंग ऑफ मगधा धनानन। चंद्रगुप्त मौर्य ब्रॉट इट टू एन एंड एंड एस्टेब्लिश हिज ओन रूल इन मगधा
अराउंड 325 बीसी ही वोन अवंती एंड सौराष्ट्र एंड बिगेन टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर. ओके नाउ 7.2 है चंद्रगुप्त मौर्य. मौर्य एम्पायर की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, राइट? सो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ये नाम स्पेशल है. सो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और उसने मगध के जो राजा है नंद, धनानंद, राइट? सो वो अत्याचारी था, राइट? अन्यायी शासन करने वाला था और उसके अन्याय और अत्याचार के कारण लोग उससे त्रस्त हो गए थे, राइट? पहले धनानंद जो नंद साम्राज्य है, राइट? सो उसका जो राजा था धनानंद, उसके अत्याचार से लोग पीड़ित थे, राइट? सो उसका जो साम्राज्य है वो खत्म हो गया. चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे जीत लिया था. उसको पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा सन पूर्व 325 में मगध पर अपनी सत्ता प्रस्थापित की. ओके चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य ये नाम से ही मौर्य साम्राज्य चलता है, राइट? सो नेक्स्ट नाउ चंद्रगुप्त मौर्य brought it to an end and established his own rule in Magadha. Around 325 BC, he won Avanti and Saurashtra and began to extend the boundaries of his empire. Okay, Avanti और Saurashtra इन क्षेत्रों को उसने जीत लिया और धीरे धीरे उसने अपने जो सीमाएं, boundaries है वो बढ़ाना भी, विस्तार करना भी प्रारंभ कर दिया. After Alexander's death, a struggle for power began among the satrap he had appointed. Seleucus Nicator was Alexander's general. Okay. Now, अभी चंद्रगुप्त मौर्य ने तो ये प्रांत जीत लिया था. उसने अवंती सौराष्ट्र को जीतकर अपने साम्राज्य को विस्तारित करना प्रारंभ किया था. लेकिन अलेक्जेंडर के द्वारा जो नियुक्त थे, अपॉइंटेड उसके जो ऑफिसर्स थे सट्रप, राइट? सो उसके मृत्यु के बाद में सत्ता के लिए परस्पर युद्ध प्रारंभ हो गया उन सट्रप्स के बीच में. और सेल्यूकस निकेटर ये सिकंदर का सेनापति था. ओके सेल्यूकस निकेटर वाज अलेक्जेंडर जनरल, उसका सेनापति था. ही बिकेम द किंग ऑफ बेबीलोन आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ. जो उसका सेनापति था, राइट, जनरल था अलेक्जेंडर का, उसके मृत्यु के बाद में वो बेबीलोन का राजा बना. He invaded the northwest frontier region of India and the Punjab. Okay, फिर उसने इंडिया के northwest frontier, right, region of India means northwest frontier में क्षेत्रों में और पंजाब पर उसने आक्रमण कर दिया. किसने? सेल्यूकस निकेटर ने. Now चंद्रगुप्त मौर्य successful resisted his aggression. और उसी पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य उस साम्राज्य पर राज्य कर रहा था, राइट? सो उसने उसको अपोज किया, राइट? सेल्यूकस निकेटर जो कि सेनापति था, अभी वो राजा बन गया था, सो उसने भारत पर फिर से आक्रमण कर दिया. लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो हाल ही में उस पर राज्य कर रहा था, उसने उस आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना भी किया. The defeat of Seleucus Nicator led to the inclusion of the northwest region of Kabul, Kandahar and Herat in the Maurya Empire. Now Seleucus Nicator को पराजित करने से अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, हेरात प्रदेश उसके साम्राज्य में समाविष्ट हुए. ओके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बेबीलोन का राजा था सेल्यूकस निकेटर, उसको पराजित कर दिया था. नाउ नेक्स्ट मेगास्थेनीस सेल्यूकस निकेटर्स एम्बेसडर स्टेड बैक एट चंद्रगुप्त मौर्यस कोर्ट. नाउ मेगास्थेनीस ये एक नाम है जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, एम्बेसडर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह चुका था. His book Indica is an important source for the study of India during the Maurya period. और जो सेल्यूकस निकेटर था, जो राजदूत था, उसने बुक लिखा था इंडिका,
इस ग्रंथ में हमें इसके बारे में, मौर्य कालीन भारत के बारे में, मीन्स मौर्य एम्पायर के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलती है। देयर इज एन इंस्क्रिप्शन स्टेटिंग दैट एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य हैड बिल्ट अ डैम कॉल्ड सुदर्शन नियर जूनागढ़ इन गुजरात स्टेट। और इस बुक में उसने जो लिखा था मेगेस्थेनिस ने ये बुक लिखा था। सो उस इंस्क्रिप्शन में हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन नामक बांध का निर्माण करवाया था, डैम उसने बनवाया था, और इसका उल्लेख और इस उल्लेख का शिलालेख पाया जाता है। ओके, और ये गुजरात स्टेट में है। नाउ नेक्स्ट, एम्परर अशोका। आफ्टर चंद्रगुप्त रिनाउंस द थ्रोन ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन बिंदुसारा। ओके, नाउ सम्राट अशोक के बारे में जानकारी देखेंगे। नाउ चंद्रगुप्त द्वारा राज्यपद का त्याग किए जाने के बाद में उसका जो बेटा था बिंदुसार, वो मगध का राजा बन गया। आफ्टर बिंदुसारास डेथ हिज सन अशोका सक्सेडेड टू द थ्रोन। और बिंदुसारा के मृत्यु के बाद में उसका जो बेटा था अशोका, ही सक्सेडेड टू द थ्रोन इन 273 BCE। सो बिंदुसारा के मृत्यु के बाद में उसका बेटा अशोका वो सत्तासीन हुआ, उसने थ्रोन संभाल लिया। अशोका हैड बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन बिफोर ही केम टू द थ्रोन। एज द गवर्नर ही हैड सक्सेसफुली क्रश्ड द रिवोल्ट एट तक्षशिला आफ्टर बिकमिंग द एम्परर ऑफ मगधा। ही लॉन्च्ड अ कैंपेन अगेंस्ट द स्टेट ऑफ कलिंगा। कलिंगा ऑक्युपाइड द रीजन ऑफ टुडेज ओडिशा स्टेट। एम्परर अशोका कॉन्कर्ड कलिंगा। ओके, नाउ हम देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में। सो वो जब उसके पिता राजा थे, राइट, सम्राट थे, तो उसने कुछ समय राज्यपाल के रूप में कार्य करते हुए समय तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था, सो अशोका ने इस विद्रोह का सफलतापूर्वक सामना किया था। मगध का सम्राट पद प्राप्त करने के पश्चात उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग राज्य का प्रदेश वर्तमान ओडिशा राज्य में था। ओके, नाउ हमने कलिंगा के बारे में सुना है, राइट, कलिंग साम्राज्य, राइट, कलिंग राज्य, उस पर उसने सम्राट अशोक ने आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया था, उस पर विजय प्राप्त की थी। अशोका's empire extended from Afghanistan in the northwest and Nepal in the north to Karnataka and Andhra Pradesh in the south and from Bengal in the east to Saurashtra in the west. Means उसने अपने साम्राज्य को भी पूरे भारत में बढ़ाया था। The Kalinga War. Okay. Ashoka was deeply moved by the bloodshed of the Kalinga War. He decided never टू वेज। नाउ कलिंगा युद्ध हमें पता है, सुना है हमने, राइट, सो उस कलिंगा युद्ध में, उस वॉर में इतना रक्तपात हुआ था कि उसने सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया था। आफ्टर कलिंगा वॉर ही डिसाइडेड नेवर टू वेज अ वॉर अगेन। He came to believe that truth, non-violence, compassion and forgiveness were the important values. उसने ये जान लिया था, उसका हृदय परिवर्तन उस युद्ध के कारण, उस वॉर के कारण हो गया था, और उसने जान लिया था कि ये जो है क्षमावृत्ति, दया करना, राइट, देन non-violence, अहिंसा, सत्य, ये महत्वपूर्ण गुण है, राइट। अशोका wanted to spread these teachings among the common people. और वो चाहता था कि लोगों तक भी ये संदेश पहुंचे, राइट, कॉमन पीपल, जो कि साधारण लोग है। देयरफॉर ही हैड पिलर एडिक्स एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड थ्रू आउट हिज किंगडम। और इस कारण से लोगों को भी ये संदेश मिल सके, राइट, इसके लिए उसने अपने राज्य में विभिन्न स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ उकरवाए। दीज राइटिंग्स आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और ये जो भी राइटिंग था
ये ब्राह्मी लिपि राइटिंग्स में था। इन दिस इंस्क्रिप्शन ही इज रेफर टू एज देव देवन पियो पियादसी मीन्स बिलव्ड ऑफ दी गॉड्स एंड ही वो लुक्स ऑन विद एफेक्शन, ईश्वर का प्रिय प्रियदर्शी। उसने खुद के लिए क्या लिखा था, देवन पियो पियादासी। अनदर इंस्क्रिप्शन स्टेट्स दैट 8 years आफ्टर ही एसेंडेड द थ्रोन ही मेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा एंड हैड अ चेंज ऑफ हार्ट ऑन सीइंग द डेवास्टेशन इट कॉज्ड। राइट, सो राज्याभिषेक होने के 8 वर्षों के पश्चात उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और वहां हुए संहार को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ। यह उल्लेख उसके एक लेखन में मिलता है। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोका एट दिल्ली टोपड़ा शोस दैट ही हैड पुट स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन द हंटिंग ऑफ बैट्स मंकीज डायनासोरस एंड सेटिंग फायर टू द फॉरेस्ट। और सम्राट अशोक ने दिल्ली के टोपड़ा के एक लेख में चमगादड़ बंदर देन गेंडा आदि के शिकार न करें, जंगल में आग न लगाए जैसे कठोर प्रतिबंध लिखकर रखे थे। एम्परर अशोक कास वर्क फॉर स्प्रेड ऑफ रिलीजन। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ एम्परर अशोका। अशोका हैड एम्ब्रेस बुद्धिज्म। अशोका ने स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ही हैड कन्वेड द थर्ड रिलीजियस काउंसिल ऑन बुद्धिज्म एट पाटलिपुत्र। अशोका सेंट हिज ओन सन महिंद्रा महेंद्रा एंड डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। नाउ अशोका ने खुद ने बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया था और जो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र उसमें भी उसने बौद्ध धर्म की तीसरी परिषद का आयोजन करवाया था। बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु उसने अपना जो बेटा था, खुद का बेटा महेंद्र, और बेटी संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था ताकि वो बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सके। ही ऑल्सो सेंट बुद्ध भिक्षुज टू वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म। ही ऑल्सो बिल्ट मेनी स्तूपास एंड विहारास। ओके, उसने अपने बेटे को और बेटी को भी रिलीजन मीन्स धर्म प्रसार के लिए भेजा था श्रीलंका में, और साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के देशों में भी धर्म प्रसार हो, धर्म प्रसार हेतु उसने बौद्ध भिक्षुओं को भी भेजा था। उसने अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया था। नाउ नेक्स्ट, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज। एम्परर अशोका लेड स्ट्रेस ऑन द क्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल ही मेड प्रोविजंस फॉर फ्री मेडिसिन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर पीपल एज वेल एज फॉर एनिमल्स। ही बिल्ट मेनी रोड्स एंड प्लांटेड ट्रीज फॉर मेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स। ही डग वेल्स एंड बिल्ट धर्मशालाज। ओके, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज। सो अशोका के लोक कल्याण के जो कार्य थे वो कौन कौन से थे। अशोका ने प्रजा को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ज्यादा जोर दिया, जैसे लोगों को तथा पशुओं को निःशुल्क औषधि मिले ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई। देन अनेक रोड जो सड़कों का निर्माण उसने करवाया। इच्छाओं के लिए सड़कों के दोनों ओर उसने पेड़ लगवाए, धर्मशाला का निर्माण करवाया, उसने कुएं खुदवाए। नाउ नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्या पीरियड। मौर्य कालीन राज्य प्रशासन कैसे चलता था। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का जो जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। फॉर द स्केल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 रीजन्स ईच विथ इट्स ओन कैपिटल। सो राज्य प्रशासन में सुविधा हो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले, इसके लिए इस दृष्टि से साम्राज्य के 4 विभाग किए गए बन पाए गए। प्रत्येक विभाग की स्वतंत्र राजधानी थी। सो वो कौन कौन से 4 विभाग थे। ईस्टर्न रीजन, ओके, जिसका नाम था तोशाली जो ओडिशा में है। नेक्स्ट था वेस्टर्न रीजन
उज्जैनी मध्य प्रदेश, थर्ड था साउथर्न रीजन, ओके सुवर्णगिरी, ओके कनकगिरी इन कर्नाटका, एंड फोर्थ जो था वो था नॉर्थर्न रीजन, तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान में है। देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच एडवाइज द किंग इन मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देयर वर मेनी ऑफिसर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। देयर वॉज एन इन इफिशियंट इंटेलिजेंस सर्विस विच केप्ट एन आई ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द मूवमेंट ऑफ एनिमीज। सो राज्य प्रशासन को लेकर राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद भी हुआ करती थी। विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अनेक अधिकारी थे। इन सभी का पर्यवेक्षण करने और शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु बहुत सक्षम गुप्तचर विभाग भी वहां पे था। नाउ नेक्स्ट, लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। सो मौर्य कालीन जो जनजीवन था वो कैसे था? ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैड ग्रेट इंपॉर्टेंस, ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशंस। नाउ जनजीवन के बारे में देखेंगे, मौर्य कालखंड में कृषि और उत्पन्न कृषि उत्पादन को बहुत महत्व था। कृषि के साथ साथ व्यापार तथा अन्य उद्योग भी वहां पर बहुत ही ज्यादा समृद्ध थे। हस्तिदंत पर उकेरने का कार्य, देन कपड़ा बुनना, देन धातु कार्य जैसे व्यवसाय भी वहां पर चलते थे। चमक वाले काले रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। जल पोतों का निर्माण भी वहां पर बड़ी मात्रा में चलने वाला उद्योग था। Had also prospered well. There were many occupations like carving and engraving on ivory, weaving and dyeing cloth and metal work. Black glaze pottery was also produced. Ship building was carried out on a large scale. In metal work, the technology of making articles of other metals as well as those of iron had developed. Now, different festivals and functions were celebrated in villages and towns. Occupations हमने देखे, व्यवसाय कौन कौन से चलते थे, right? Now, वहाँ पर festivals, function भी celebrate किए जाते थे. Dance and music concert were a part of entertainment. Okay? नगरों और गांवों में त्योहार जो है बड़ी संपन्नता से त्योहार उत्सव मनाए जाते थे। जो लोग थे उनके लिए मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए नृत्य गायन के कार्यक्रम होते थे। ओके, नाउ रेसलिंग बोट्स एंड चैरिट रेस रेसेस वर पॉपुलर एंड सो वर बोर्ड गेम्स एंड चेस। चेस वाज कॉल्ड अष्टपद। ओके, सो वहां पे मनोरंजन के लिए डांस मीन्स नृत्य देन गायन ऐसे कार्यक्रम तो होते ही थे, लेकिन दंगल देन रथों की दौड़ लोकप्रिय खेल थे। ओके, देन वहां पर चेस मींस पासों का खेल होता है चेस, राइट, जो गेम है, सो वो भी वहां पर खेला जाता था और उसे कहा जाता था अष्टपद। अष्टपद नाम से ये जाना जाता था। नेक्स्ट, आर्ट एंड लिटरेचर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्परर अशोका द आर्ट ऑफ रॉक कट स्कल्पचर वॉज प्रोमोटेड। The pillars erected by Ashoka were excellent specimens of Indian sculpture. There are excellent carving of animals like the lion, elephant, bull on these pillars. The chakra or wheel on the Ashoka pillar at Sarnath has place. Okay, you can see in this picture. Okay, जो मौर्य कालीन कला और साहित्य उसके बारे में देखेंगे। सम्राट अशोक के कार्यकाल में शिल्पकला को प्रोत्साहन मिला। अशोका द्वारा स्थापित जो स्तंभ थे भारतीय शिल्पकला के उत्तम नमूने थे। उसके द्वारा निर्मित स्तंभों पर सिंह, हाथी, बैल जैसे पशुओं के अत्यंत उत्तम शिल्प है। सारनाथ में निर्मित अशोका स्तंभ पर अंकित जो चक्र है वो भारत के ध्वज राष्ट्र ध्वज पर भी हम देखते हैं। फ्लैग पर जो चक्र है दैट इज कॉल्ड अशोका चक्र, राइट। इन
इस स्तंभ के चारों ओर सिंह अंकित है, परंतु सामने से देखते समय उनमें से तीन सिंह ही दिखाई देते हैं। यह भारत की राजमुद्रा है। अशोका के कालखंड में उकेरी गई बाराबा टीलों की गुफाएं प्रसिद्ध है। ये गुफाएं बिहार में है और भारत की गुफाओं में यह गुफा सबसे प्रभावित प्राचीन गुफा मानी जाती है। ओके, नाउ ये हम देखते हैं, ये जो स्तंभ है जो अशोका ने बनवाया था, राइट? सो ये भारत के राज मुद्रा पर भी ये हमें देखने को मिलता है। सामने से देखो तो यहाँ पे तीन सिंह ही दिखाई देते, लेकिन पीछे की तरफ भी एक है। इट मींस देर आर फोर लाइंस। द ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशंस हैड ऑल्सो प्रॉस्पर्ड वेल। देयर वर मेनी ऑक्यूपेशंस लाइक कार्विंग एंड एनग्रेविंग ऑन आइवरी, weaving and dyeing cloth and metal work. Black lace pottery was also produced. Ship building was carried out on a large scale. In metal work, the technology of making articles of other metals as well as of those of iron had developed. Now, different festivals and functions were celebrated in villages and towns. Dance and music concert were a part of entertainment. Wrestling bouts and chariot races were popular, and so were board games and chess. Chess was called Ashtapad. Okay? उनके नगरों और गांवों में त्योहार और उत्सव मनाए जाते थे। So उनके लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य गायन के कार्यक्रम होते थे। So वहाँ पे wrestling भी चलती थी, दंगल होते थे, right? Wrestling, then रथों की दौड़ वहाँ पे लोकप्रिय से खेलते, और साथ ही वहाँ पे चेस जो है वो भी एक गेम लोग खेला करते थे। नाउ चेस को वहाँ पर नाम था अष्टपद। अष्टपद नाम से ये गेम चेस जाना जाता था उस वक्त में। नाउ नेक्स्ट आर्ट एंड लिटरेचर। ओके, इट मींस कला और साहित्य के बारे में देखेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्परर अशोका द आर्ट ऑफ रॉक कट sculpture was promoted. The pillars erected by Ashoka are excellent specimens of Indian sculptures. There are excellent carving of animals like the lion, elephant, bull on these pillars. The chakra or wheel on the Ashoka pillar at Sarnath has a place of honor on the Indian national flag. The pillar has lions on all four sides, but only three are visible from the front. This is official seal of the government of India. The cave sculpture at Barabar Hills, carved during the period of Ashoka, are well known. These caves are in Bihar. They are the oldest cave sculptures in India. After the death of Emperor Ashoka, the Maurya Empire began to decline. After the Mauryas, many new states and some empires also emerged in India. The Maurya Empire was the largest empire in ancient India. In the next chapter, we shall discuss the political and cultural happenings in the post-Maurya period. Okay, so art and literature. Kala aur sahitya ke bare mein kya tha? तो सम्राट अशोक के कार्यकाल में जो शिल्पकला है उसको प्रोत्साहन मिला। अशोका द्वारा स्थापित स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम नमूने थे। उसके द्वारा निर्मित स्तंभों पर सिंह, हाथी, बैल जैसे पशुओं के भी उत्तम शिल्प है। और सारनाथ में निर्मित अशोक स्तंभ पर अंकित जो चक्र है वह भारत के ध्वज, राष्ट्र ध्वज पर भी दिखाई देता है, राइट? यू कैन सी ये जो है, राइट? सो सारनाथ में अशोका स्तंभ जो है, सो यहाँ पर ये जो है इसे अशोका चक्र कहा जाता है, जो कि हम अपने नेशनल फ्लैग, राइट, अपने राष्ट्र ध्वज पर भी ये देखते हैं। ये चक्र हम वह पर भी देखते हैं। इस स्तंभ पर चारों ओर सिंह अंकित है। नाउ ये जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, इस पर चार सिंह है, फोर लायंस है,
राइट। लेकिन सामने से अगर हम देखें तो यहाँ पर तीन ही दिखाई देते हैं क्योंकि पीछे की तरफ एक है। अशोका के कालखंड में उकेरी गई बराबर जो टीलों की गुफाएं हैं वो भी प्रसिद्ध थे। ये गुफाएं बिहार में है। भारत की गुफाओं में यह सबसे प्राचीन गुफा है। सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का जो है वो ह्रास प्रारंभ हुआ, मतलब वो साम्राज्य खत्म होना शुरू हो गया सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद में। मौर्य कालखंड के बाद में भारत में अनेक राज्य उदित हुए, कुछ साम्राज्यों का भी उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे विशाल साम्राज्य था। मौर्य कालखंड के बाद में घटित राजनीतिक एवं सामाजिक जो घटनाएं हैं उसका जो अभ्यास है हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले चैप्टर में करेंगे। सो टुडे वी लर्न आवर सेवेंथ नंबर लेसन, इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप चैनल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियो। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।